हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं से सुनिए, आप सभी को नमस्कार, गुड गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पे मैथ रीजनिंग आप लोगों को पूरा पूरा कवर कराया जा रहा है, और यहाँ तक कि आप लोगों को साइंस का साइंस साइंस आपको आजाद सर पोस्ट में राजा सर के द्वारा पूरा कराया जा रहा है, और जीके प्लस स्टैटिक जीके आप लोग कवर कराया जा रहा है किसके द्वारा, कृष्णा कृष्णा प्रताप सर के द्वारा। बाकी बाकी मैथ प्लस रीजनिंग का पोर्शन खुद हम देख रहे हैं भाई रवि सर के द्वारा। रीजनिंग और मैथ हम खुद देख रहे हैं, और साइंस आपको देख रहे हैं राजा साइंस देख रहे हैं आजाद सर जो राजा सर हैं, और जीके का पोर्शन समा रहे हैं आपको कृष्णा प्रताप सर। तो देखिए, इसके पीछे बहुत ही मेहनत है, और इस मेहनत को अच्छे मुकाम तक तो पहुंचाने के लिए आपका साथ चाहिए, और आपका साथ चाहिए, और तभी हम आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा पाएंगे। नहीं तो हम आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सबसे पहले रविकांत पासवान एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज्यादा जितना हो सके उतना अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का प्लेस और बेल आइकन का ऑल प्रेस कीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, और इसे सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और आज आप लोगों को शुरू होगा रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग जो चैप्टर, वो फर्स्ट से शुरू होगा, और आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आएगा, और इसकी मैं पूरा गारंटी लेता हूं। और आप लोगों को मैथ और रीजनिंग में डरना नहीं है, मैथ और रीजनिंग से बिल्कुल लड़ना है, और साइंस तो बिल्कुल निडर होकर पढ़िए, क्योंकि साइंस में आ गए हैं राजा सर, आप लोगों को गर्दा गर्दा मिला देंगे, ठीक। और जीके का पोर्शन तो कृष्णा सर एकदम लाजवाब बहुत ही मस्त पढ़ा रहे हैं। अभी आइए आइए आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग में दिखाते हैं क्या है खास। तो कोडिंग और डिकोडिंग में आप लोगों को नंबर से खेल गए, कोडिंग और डिकोडिंग में क्या है, अल्फाबेट के नंबरों से खेलना है। अगर आप अल्फाबेट के नंबरों से खेलना सीख गए तो फिर कोडिंग और डिकोडिंग में कुछ है खास नहीं, कोडिंग और डिकोडिंग आप लोगों को बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो आइए देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में क्या है खास। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में देखिए, तो सबसे पहले ई जो टी ई किस स्थान पे आता है, 5 स्थान पे, जे 10 स्थान पे, ओ 15 स्थान पे, टी 20 स्थान पे, वाई 25 स्थान पे आता है, ठीक। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद आगे का इसके आगे का अंक भी निकाल लेंगे, और इसके पीछे का भी अंक निकाल लेंगे, इतना याद रहेगा। तो इतना याद रहना चाहिए कि ई 5 स्थान पे है, और जे 10 स्थान पे है, ओ 15 स्थान पे है, और टी 20 स्थान पे है, और वाई 25 स्थान पे। इतना अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग पूरा मतलब आगे का भी नंबर निकाल लेंगे और पीछे का भी नंबर निकाल लेंगे, और बाकी ओपोजिट वाला नंबर हम बता देंगे आपको कैसे होगा, बाकी आप लोग क्वेश्चन के द्वारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और इसमें क्या है खास। तो आइए देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए क्या पूछा है कि पाइप का 16 9 16 5 लिखा है। तो देखिए ये जो पाइप है इसको क्या लिखा है, पाइप को लिखा है 16 9 16 5 क्यों लिखा है, क्योंकि पी जो है 16वें स्थान पे आता है, इसलिए 16 लिख दिया। कैसे कि ओ का कितना होगा, 15 लिखवाए आपको, ओ के बाद क्या आता है पी कितने स्थान पे आ गया, 16। आई किस स्थान पे आता है, तो देखिए आपको 10 का लिखवाया था क्या, ई जो टी जे 10 स्थान पे आता है, तो आई एक अंक पीछे है, आई एक अंक पीछे है, तो कितने 9 पे आता है, 9 लिखा है, पी को उसी तरह 16 लिखा है, ई किस स्थान पे आता है लिखवाए हैं 5, ई 5 पे आता है। तो उसी तरह स्वान के आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप आंसर हमेशा गलत लिखिएगा। स्वान के अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर देखिए अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर स्वान का अंतिम अक्षर यन है, और यन आपको बताए थे कि क्या होगा, तो देखिए ओ का कितना होता है 15, ओ का कितना होता है 15, तो 15 होता है ओ का 15, तो ओ का 15 होता है, अंतिम अक्षर पूछा है क्या होगा, तो एम एन ओ, तो ओ का 15 होता है, तो एन उसके एक अंक पीछे है, तो एक 15 में से एक घटा देंगे तो कितना होगा 14, तो 14 का अंतिम अंक अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर तो होगा क्या है, ये अंतिम अक्षर 4 होगा, 14 का क्या होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखिए यन किस स्थान पे आता है 14 स्थान पे आता है, तो अंतिम स्थान क्या हुआ 4 हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर 100%। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, क्वेश्चन देखिए कट रहा है तो देखिए हम लिख रहे हैं तीन को आपको लिखा है क्या, तीन को लिखा है क्या 20, 5 और 514। तो इंटर को क्या लिखा जाएगा, देखिए इंटर को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए टी किस स्थान पे आता है, 20 स्थान पे आता है, ई किस स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पे आता है, उसी तरह ई किस स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पर, एन किस स्थान पे आता है, 14वें स्थान पे आता है, जो जिस स्थान पे आता है वही लिख दिया। तो अब इंटर को देखिए, इंटर किस स्थान पे, ई किस स्थान पे आता है, पांचवें स्थान पे आता है, एन किस स्थान पे आता है, 14, टी किस स्थान पे 20, ई किस स्थान पे 5, आर किस स्थान पे तो 18, 5, 14, 20, 5, 18 देखिए ऑप्शन में, 5, 14, 20, 5, 18 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आप लोग के सामने, तो देखिए क्या लिखा है, देखिए लिखा है क्या वाई डबल एल, एल को क्या लिखा है 25, 5, 12, 25, 5, 12, 12। तो देखिए y किस स्थान पे आता है 25वें स्थान पे आता है, e किस स्थान पे आता है 5वें स्थान पे आता है, l किस स्थान पे आता है 12वां, उसी तरह l किस स्थान पे 12वें स्थान पे आता है, तो tail क्या क्या होगा, देखिए t a l, तो t किस स्थान पे आता है तो 20वें स्थान पे आता है, a फर्स्ट स्थान पे आता है, l किस स्थान पे आता है 12वें स्थान पे आता है, e किस स्थान पे आता है 5 स्थान पे आता है। ऑप्शन आपका आंसर क्या हो गया 20, 1, 12, 5, ऑप्शन में ढूंढिए 20, 1, 12, 5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल निगाहें इसमें देखिए, इसमें नजर थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, नजर नजर का खेल है, सिर्फ नजर आपका पड़ गया तो हो जाएगा। आइए इसमें पहले ही बता चुके हैं आपको कि सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और नंबरों से खेलना है, अगर आप अल्फाबेट और नंबरों से खेलना सीख गए तो कोडिंग और डिकोडिंग हो गया आप लोग के लिए आसान। ठीक, आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो देखिए क्या कुछ क्या दिया है, दिया है देखिए वी आई एल को 2, 5, 9, 2 लिखा है, तो मीट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए वी आई एल को क्या लिखा है 2, 5, 9, 2, तो 2, 5 देखिए तो वी किस स्थान पे आता है, तो टी यू वी 22 स्थान पे आता है, तो 22 वी 22 स्थान पे आता है, ई 5 स्थान पे आता है, आई 9 स्थान पे आता है, एल किस स्थान पर आता है, ई जो टी जे के एल 12 12वें स्थान पर आता है, तो ये देखिए क्या लिखा है लास्ट का संख्या के अंतिम का लास्ट नंबर लिखा है, तो देखिए इसका क्या लिखा है अंतिम का अंक लिखा है कितना 2, इसका अंतिम का अंक कितना है 5, इसका अंतिम का अंक 9 और इसका अंतिम का अंक 2, उसी तरह इसको लिखिएगा किस स्थान पर आता है और उसके अंतिम का अंक आपका आंसर होगा। तो देखिए मीट का मीट को कैसे लिखेंगे, देखिए मीट को कैसे लिखेंगे MNO, ओ के 2 अक्षर पीछे है तो कितना हो जाएगा 13, और ई 5वें स्थान पे आता है, ई 5वें स्थान पर, टी किस स्थान पे आता है 20वें स्थान पे आता है। अब देखिए अंतिम का अंक लिखना है, तो अंतिम का अंक कितना है 3, अंतिम का अंक कितना है 5, अंतिम का अंक कितना है 5, अंतिम का अंक देखिए इसका कितना है 0, 3, 5, 5, 0 आपका आंसर हो जाएगा 3550, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बस अब ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे देखिए NEAT नीट को कितना लिखा है 3409। देखिए N नीट को इतना लिखा है, तो उसी प्रकार लर्न को क्या लिखा जाएगा LEARN लर्न को क्या लिखा जाए, तो देखिए नीट किस स्थान पे आता है 14, E किस स्थान पे 5, E किस स्थान पे 1, E किस स्थान पे 20। अब देखिए इसमें से एक माइनस किया, एक माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 13, 13 का क्या लिखा है लास्ट का नंबर लिखा है 3, उसी तरह 5 में एक माइनस करेगा क्या हो जाएगा 4, 4 लिख दिया लास्ट नंबर का 4, एक में से एक माइनस करेगा क्या 0, और उसे 20 में से एक माइनस करेगा 19, 19 का लास्ट नंबर क्या होगा 9 हो जाएगा। उसी तरह देखिए लर्न को कैसे लिखेगा, उसी तरह LEARN लर्न को देखिए ई जो टी जे जे के एल, जे आपको आता है 10 नंबर, के एल कितने स्थान पाएगा 12, ई 5, ई 1, आर कितने स्थान पाएगा 18, एन कितने स्थान पाएगा 14 स्थान पे, 14 ही पाएगा। अब इसमें से देखिए 1 माइनस किया है, सब में 1 माइनस कर दीजिए, इसमें भी 1 माइनस करिए, इसमें भी माइनस 1 कीजिए। अब देखिए 12 में ले जाएगा कितना 13, ठीक इसमें पाई खींच दीजिए, 5 में ले जाएगा कितना 4, पाई खींच दीजिए, ठीक, और एक में से एक जाएगा कितना 0,
18 में से एक जाएगा कितना 17, 14 में से एक जाएगा कितना 13। अब संख्या का अंतिम अंक लिखा है तो देखिए 3, 4, 0, इसका 7, इसका 3, 3473। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर, तो इसमें देखिए क्या किया है, फिर से देख लीजिए, 4 में से एक गया 3, ठीक तो है जी, तो इसमें से 3 में से एक, 12 में से एक जाएगा तो एक ना बचेगा, एक बचेगा यहाँ पे, 12 में से एक जाएगा तो 300 बचेगा, एक बचेगा, यही मिस्टेक है, एक बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 14073। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब यार आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखिए, इसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिए और इसमें क्या पूछा है, तो देखिए क्या पूछा है, देखिए पूछा है क्या, टेक को क्या लिखा है 7915, उसी तरह कैट को क्या लिखा है, कैट को लिखा है 297, तो केक को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसे कहते हैं मतलब ये नकल वाला प्रश्न है, तुरंत ही आप तुरंत देखकर आंसर इसको कर सकते हैं, तो देखिए कैसे आंसर कर सकते हैं, तो देखिए इसमें सी ए को क्या लिखा है, इसमें सी ए को 29 लिखा है, तो इसमें सी ए को क्या लिखेंगे 29 लिख देंगे, और इसमें के को, इसमें देखिए के, इसमें के को क्या लिखा है 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे, और ई को क्या लिखा है, तो देखिए इसमें ई को लिखा है 5, तो ई को लिख देंगे 5, 2915। ऑप्शन कौन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सिंपल को क्या लिखा है, सिंपल को लिखा है 6315 49, देखिए इसको क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे सिंपल को लिखा है एस आई एम पी एल ई, सिंपल को क्या लिखा है 6315 49, और उसी तरह पी एल ओ यू जी एच, प्लॉक को क्या लिखा है 5478 लिखा है, तो स्लिप को क्या लिखेगा, देखिए एस एल डबल ई पी, स्लिप को क्या लिखेगा, तो देखिए यस को क्या लिखा है 6 लिखा है, और यल को क्या लिखा है 4 लिखा है, और ई को क्या लिखा है, ई को लिखा है 9 9, और पी को क्या लिखा है, देखिए यहाँ से पी को लिखा है 5, 6499 5, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6499 5 इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए इंक्लूड को क्या लिखा है 47 90 82 5। अब देखिए और रिवर्ट क्या लिखा है आर ई वी ई आर टी, रिवर्ट को क्या लिखा है 35 15 36, और उसी प्रकार आपको किसका बताना है, ड्राइवर का बताना है डी आर आई वी ई आर का, डी देखिए इसमें डी डी का क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे डी, यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 लिख दीजिए, आर देखिए आर आर यहाँ पे है, और यहाँ पे आर का क्या लिखा है, आर का लिखा है 3, तो यहाँ पे आर का क्या लिख देंगे 3। अब आई का देखिए, आई इसमें खोजिए कहाँ है, आई देखिए ये रहा, आई का कितना लिखा है 4, लिख दीजिए 4। उसी प्रकार भी देखिए, भी इसमें कितना लिखा है, देखिए यहाँ पे भी है, और भी को क्या लिखा है, भी को तीसरे स्थान पे, तो 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। और उसी प्रकार ई को क्या लिखा है, देखिए इसमें ई खोजिए, देखिए ई ये रहा, ई को क्या लिखा है 5 लिखा है, 5 लिख दीजिए। और आर को, आर को देखिए यहाँ पे आर को लिखा है कितना 3, आर को लिख दीजिए 3। 23 41 53 कहाँ है, ऑप्शन में खोजिए 23 41 53, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए मोबाइल को लिखा है, या मोबाइल को लिखा है कितना 713694, और टेबलेट को क्या लिखा है, टेबलेट को लिखा है आपको 25 39 42, तो बैलेट को क्या लिखा है बी ए एल एल ई टी, बैलेट को क्या लिखा जाएगा, किस पर कोट किया जाता है, देखिए तीसरे स्थान पे बी है तो इसको क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, ए किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, ए को क्या लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा, और एल किस स्थान, एल को लिखा जाएगा 9, इसको भी 9, ई को क्या लिखा जाएगा, ई को ध्यान से दीजिए देखिए 4 लिखा जाएगा, और टी को क्या लिखा जाएगा, टी देखिए 2 लिखा जाएगा, टी को लिखा जाएगा 2। 35 99 42 ऑप्शन में खोजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पार्ट टाइप 1 था, और कल से टाइप 2 लेकर आएंगे आप लोग के बीच कोडिंग और डिकोडिंग का, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, और आप लोग यहाँ पे रविकांत पासवान एकेडमी में जाते जाते करें इसको, ज्यादा से ज्यादा रविकांत पासवान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि और यहाँ पे आप लोग को
अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों का हमको अभी बहुत ही साथ का जरूरत है ताकि हम लोग आपको इससे भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और लास्ट में जाते जाते सुनिए, मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसला ने मंजिल की आंखों में आके डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़ा देखना पूरा करके ये तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बाकी इसी तरह बने रहिए। ठीक है।